ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 249। समर्थि दिवस के रूप में स्मृति दिवस ये मुरली बाबा ने चलाई 18 जनवरी 1976। सर्वात्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सर्वलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव। सदा क्या बनो? बाप समान विधाता और वरदाता भव। सदा विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी भव। विश्व का कल्याण करने वाले बनो, विश्व के राज्य अधिकारी बनो। सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भाव। किस किस पर विजय पानी हमको? माया पर, प्रकृति पर और परिस्थितियों पर विजय पानी। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भाव। सदा विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी भाव। सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भाव। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हाथों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे। दूर बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थी। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय के हार बन बाप दादा के गले में समा। जितना उन्होंने आंसू बहाए तो एक एक मोती मीठा मोतियों का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। सबके साज जो थे अलग अलग, हर एक के संकल्प अपने अपने, वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थि दिवस भी कहते। स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थि दिवस भी कहते। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल कर दिया ब्रह्मा बाबा ने, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार
पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना, अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की है। स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए ये ब्रह्मा बाबा का समर्थ दिवस है। आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवास से परे स्वयं में समाने जा रहे, परमधाम में समाने जा रहे हैं। इस समय चारों ओर सबका फुल पार्स फोर्स, चारों ओर सबका फुल फोर्स से तालियों से उलानों से कैसे कैसे करते हैं। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उलाने और आह्वान, एक है उलाना दूसरा है आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। उलाने भी आ रहे हैं और सब स्वयं में समाने जा रहे हैं, स्वयं में सब समाने जा रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है, नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं, जितना आपने याद किया है उसका रिटर्न आपको दे रहे हैं। जैसे पुराने बच्चों का को डबल इंजन की लिफ्ट मिली है, इसकी लिफ्ट मिली है डबल इंजन, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की, जो नए बच्चे हैं उनको गुप्त खजाने मिले, खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। उन्होंने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे नए बच्चों को विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर भी हो, बाप दादा की विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर भी है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे, कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा सर्व स्नेही सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा को के भी तीर्थस्थ अधिकारी बनाया। बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। आप दीदी जी तथा वत्सों के सामने बाप दादा बोले, आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उलाने भी दिए, बच्चों ने बाबा को उलाने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो सागर की विशेषता क्या होती है, क्या होती है?
जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या है? जितनी लहरें उतना ही शांत, जितनी लहरें उतना ही वो शांत। कौन सी लहरें होंगे? हाँ, मतलब ऊपर से जितनी ज्यादा ले रहे हैं परंतु गहराई में वे उतना ही शांत। वही कह रहे हैं बाबा ना, मतलब बाबा जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना शांत, ऊपर जितना लहरें होंगी अंदर में शांत। लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं, ठीक है नहीं? गहराई भी, गंभीरता भी चाहिए, और क्या बोलते हैं अपना, सरलता भी चाहिए। लहरों का तो यही है, बाबा वही कह ना, बाबा ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस है, और उस स्मृति दिवस पर बाबा जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? आजकल बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ नहीं। विशेषता क्या होती है? जितनी ले रहे उतना ही शांत। मतलब ये किसकी है बात? प्रश्न ये उठता है, ये किसकी बात है? बाबा की बात है या बच्चों की बात है? जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी ले रहे उतने ही शांत। ये बाबा के लिए कह रहा है, किसी बच्चे के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं, बाबा में एक ही समय पर दोनों विशेषताएं, वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी ये विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप, जितना ही साकार स्वरूप में समृद्धि स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थ स्वरूप, दोनों का साथ साथ बैलेंस हो, दोनों का साथ साथ क्या हो? बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा जैसा समय या जैसा दिन, वैसा स्वरूप तो होता ही है। लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। पार्ट भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो, साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षियों के देख, साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजेगा। लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पार्ट के वश नहीं हो जाएंगे, विल पावर होगी, विल पावर होगी। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ में, साथ साथ समाया हुआ हो,
सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना ये लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के संग प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य है नष्ट मोहा स्मृति लब्ध। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध का दिखाया है जितना ही अति स्नेह उतना ही अति प्यार में नष्ट मोहा बनकर जाएंगे। संसार में किसी वस्तु के प्रति से मतलब प्यार है। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्ट मोहा, उतना ही क्या बनेंगे नष्ट मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा ब्रह्मा बाबा का, स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, बच्चों से प्यार भी है। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना है। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह का समाना, दूसरी तरफ एक तरफ स्नेह का समाना, दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त। सामना भी और सहन भी करना दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम, यही लास्ट स्टेज। शरीर से भी उपराम और अपने स्नेह के सागर होते हुए भी लास्ट, अपने शरीर से भी उपराम, यही लास्ट स्टेज है। ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही रात्रि का समय था ना, लास्ट पेपर का फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है लेकिन समाना, इसमें विल पावर चाहिए। सारा पार्ट का सारा पार्ट समाने का देखा। कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को बाबा ने विल की। अच्छा, वाणी का सार है नंबर एक, बाबा बोले ये दिवस स्मृति दिवस नहीं समर्थि दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया है। बाबा कहते हैं जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली है वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद मिलती है।
प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते, विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। जो चाहें जिस घड़ी चाहें वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ है। यही अलौकिकता है, सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता हो गई। प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता हो गई, और समाया हुआ प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ, दोनों साथ साथ, प्रेम भी और शक्ति। खाली प्रेम नहीं, खाली शक्ति। यही अलौकिकता है, सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना ये तो लौकिकता हो गई। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।